नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, मैनपुरी सीट को लेकर के भी यहां पर सियासत काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। वहीं गोला गोकरनाथ सीट जो है वो भी काफी ज्यादा एक हॉट मुद्दा जो है अभी बना हुआ है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर दोनों गोला गोकरनाथ सीट जो है, यहाँ देखिए मैनपुरी चर्चा में इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी कौन चुनाएगा इसको लेकर के चर्चा कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, मुलायम सिंह यादव का उत्तराधिकारी कौन होगा इसको लेकर के चर्चा है। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर आप देखें तो यहाँ पर गोला गोकरनाथ सीट पर दोनों पार्टियां यहाँ पर अहम भूमिका निभाते हुए आई हैं और दोनों पार्टियों को यहाँ पर सहानुभूति वोट बैंक का इंतजार। लेकिन इस बीच चर्चाएं ये तेज हो गई है कि गोला गोकरनाथ सीट पर अखिलेश यादव प्रचार करते हुए नजर नहीं आएंगे, विनय तिवारी जो उनके प्रत्याशी है उनके लिए वोट मांगते हुए नजर नहीं आएंगे अखिलेश यादव। जिसके बाद देखिए राजा भैया का गुस्सा जो है अखिलेश यादव पर यहाँ पर फूटता हुआ नजर आया। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव ढीला छोड़ते चले जाते हैं, रामपुर और आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव को भी इसी तरीके से अखिलेश यादव ने ढील छोड़ दिया था, इस वजह से वहां पर हार का सामना करना पड़ा। और गोला गोकरनाथ सीट जहाँ पर अभी लोहा गर्म है, अगर सही तरीके से चोट किया जाए तो फिर वहां पर काफी ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है। उस समय अखिलेश यादव गोला गोकरनाथ सीट पर जो है यहाँ पर अगर नहीं जाते हैं प्रचार करने विनय तिवारी के लिए वोट मांगने के लिए, तो यहाँ पर विनय तिवारी भी काफी ज्यादा नाराज तो होंगे ही, ऊपर से अखिलेश यादव के लिए एक हार का माहौल जो है बन जाएगा और यही कहा जाएगा कि अपने पिता के वजूद को अखिलेश नहीं बचा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल।